473 हो गई, 41,051 मरीज, सिंध में 267, पंजाब में 252, खैबर पख्तूनख्वा में 305, बलूचिस्तान में 36, गिलगित बल्तिस्तान में 4, आजाद कश्मीर में 1 और इस्लामाबाद में 7 मरीजों का इंतकाल। दुनिया हुई बेबस, कोरोना हुआ बेकाबू, अब मौत हो गई 3,13,000, मरीजों की तादाद 47,20,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 90,113, बरतानिया में 34,466, इटली में 31,763, स्पेन में 27,563, फ्रांस में 27,625 अमवात। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की सुनवाई कल होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। नए बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे, जबकि जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा है। मुल्क की फजाई ऑपरेशन की बहाली के बाद अंदरून मुल्क मुसाफरों को लोड कम होने की वजह से जायद किरायों का सामना करना पड़ रहा है। कौमी और निजी एयरलाइन की जानिब से किरायों में फी टिकट 10,000 रुपए का इजाफा, दो तरफा टिकट 50 से 55,000 रुपए में फरोख्त। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गलियों में जरासीम कुछ स्प्रे इंसानों के लिए खतरनाक है। गलियों में जरासीम को स्प्रे करने से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होता। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, विफाक का ईद पर 6 छुट्टियों का ऐलान, विफाकी इदारे 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। पंजाब में 7 छुट्टियों का ऐलान, पंजाब के मुलाजमीन 25 मई से 31 मई तक छुट्टियां मनाएंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की इजाजत, किरायों में भी 20% कमी, पावर लूम्स में भी काम का आगाज, बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी SOP के तहत खोला जाएगा। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़ार कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आम आदमी को मिलेगा, मुसाफरों, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना लाजिम होगा। वजीर आजम हाउस के 4 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस, 4 मुलाजमीन को करंटीना कर दिया गया। वजीर आजम हाउस में एहतियाती इकदाम शुरू, SOPs पर अमल दरामद किया जाने लगा। पाकिस्तान ने कोरोना वबा का बेहतर तरीके से मुकाबला किया, कोरोना टेस्ट की सलाहियत 27 गुना बढ़ गई। असद उमर कहते हैं मतलूबा तिब्बी स्टॉक मौजूद, अब तजुर्बाकार ह्यूमन रिसोर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। मुल्क में आलमी मायार की 70 लेबोरेटरीज कायम की जा चुकी है। और चीनी तैयारा मजीद सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया, 99 वेंटिलेटर्स भी शामिल। बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंचने वाला 800 जहाज, चीन से इमदादी सामान मुख्तलिफ शहरों में भी पहुंचा दिया गया।